Hey friends, welcome to my channel Techno Date Prayer. आज मेरे पास Vivo का Y83 Smartphone है, ये उसका box है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 6.22 inch का full view display है। ये जो फोन है वो within 15,000 रेंज में सबसे किफायती, सबसे सस्ता नॉच वाला फोन है, जो iPhone X टाइप का जो फोन है वो ये फोन है। और उसमें अगर मैं स्पेसिफिकेशन का बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें octa-core हीलियो मीडियाटेक हीलियो का P22 प्रोसेसर है, 4GB रैम है, फेस अनलॉक है और उसके अलावा इसमें 32GB का स्टोरेज है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। जब हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे तो हम लोग को और सारे फीचर्स पता चलेंगे। इसका जो कैमरा है वो कैमरा 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है विथ LED फ्लैश और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। और जैसे कि हर एक वीवो में आप देखते हैं उसका वाइट बॉक्स और इसका डिज़ाइन लगभग सेम ही होता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो मेड इन इंडिया, ये इंडिया में असेंबल हुआ है, हालांकि वो चाइनीज प्रोडक्ट है बट ये इंडिया में असेंबल हुआ है। और उसका जो प्राइस है 15,990 लिखा है बट ये आपको अराउंड 14,000 की रेंज में पेटीएम मॉल या अमेजोन में आराम से मिल जाएगा। सो ये सबसे सस्ता नॉच वाला जो फ़ोन है उसका मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा और उसके अंदर क्या है वो हम लोग देखेंगे। उस जस्ट बिफोर आई डू अनबॉक्सिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी टच कर लीजिए, तो जस्ट नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे और सबसे पहले मेरा टेक्नोलॉजी वीडियो आप देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग के। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। इसका मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ फटाफट। कट किया और ये इधर कट किया, इधर कट किया और इसका जो है अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। ये जो है वो कुछ पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशंस है और ये देख सकते हैं आप उसका सिम का ओपनर है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वारंटी कार्ड वगैरह है और ये TPU केस है, फ्लेक्सिबल ओके क्वालिटी है। और ये जो है वो फाइनली ये फ़ोन है, दिस इज़ द फ़ोन, आप देख सकते हैं Vivo। जो पीछे है वो ग्लॉसी फिनिश है, अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा लुक है और आगे जो है वो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है और उसमें ऑलरेडी साथ में एक स्क्रीन का जो प्रोटेक्शन है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको शायद नहीं दिखेगा। और ये नॉच है और साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वॉल्यूम अप और डाउन कीज है और ये जो है वो पावर ऑन स्विच है। पीछे अगर देखेंगे तो ये हेडफोन जैक है, USB रेगुलर USB कनेक्टर है और ये स्पीकर है। आगे जो है वो फ्रंट स्पीकर है और यहाँ पर जो है वो ये माइक है, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये माइक है। और अगर बॉक्स में देखेंगे तो बॉक्स में ये कुछ केबल्स है, रेगुलर चार्जिंग केबल्स है और ये रेगुलर जो हेडफोन्स है वो रेगुलर जो Vivo नॉर्मल Vivo के फ़ोन के साथ जो हेडफोन्स आते हैं वो हेडफोन्स है। और ये जो चार्जर है वो रेगुलर फास्ट चार्जिंग नहीं है लेकिन अराउंड 2 आवर्स में ये चार्ज हो रहा है। और ये जो इसका रेटिंग है वो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर्स, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स का उसमें रेटिंग है। और अभी हम लोग ये फ़ोन को करेंगे पावर ऑन और उसके बाद फटाफट उसका जो है रिव्यू वो स्टार्ट करेंगे। सो ये हो गया है पावर ऑन, देख सकते हैं बूट हो रहा है। ये जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो के ऑपरेटिंग सिस्टम पर फन OS 4 जो Vivo का खुद का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर चलता है। और एज ऑलवेज Vivo कैमरा म्यूज़िक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। इसमें जो ये है ये सिम ट्रे है, उसको भी हम लोग ओपन करेंगे और मैं रख दूँगा इसको। और सिम ट्रे है
उसको मैं ओपन करूंगा। जब तक ये बूट हो रहा है हम लोग सिम ट्रे को ओपन करेंगे, और ये जो है वो सिम ट्रे, और ये जो है वो बूट हो गया। वेलकम फन ओएस अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, और ये नॉच, नॉच अभी आपको क्लियरली दिखेगा। और सेटअप योर फ़ोन को मैं क्लिक करता हूँ तो रेगुलर इंग्लिश, नेक्स्ट और नेक्स्ट, और एग्रीमेंट है वो एग्री कर लेता हूँ मैं, और अभी के लिए वाईफाई नहीं है तो मैं उसको स्किप कर दूँगा। और गूगल सर्विस ये जो है वो सेटअप, इसको जस्ट मैं सेंड डिवाइस डेटा नहीं चाहिए मुझे, इम्प्रूव लोकेशन नहीं चाहिए, और ये हेल्प एप फाइंड नहीं, और नेक्स्ट नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद जो टाइम है वो डेट टाइम हम लोग देख लेंगे बाद में, जस्ट नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये जो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक का जो पासवर्ड है वो मैं फिंगरप्रिंट भी ऐड कर देता हूँ। ये उसके पहले इसको पैटर्न सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये पैटर्न मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर से मैं पैटर्न सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसका एजेस पूछ रहा है, सो ये देखिए ओके आ गया। ओके, और अनलॉक द फोन विथ योर फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकग्निशन। सो ऐड फेस करने के लिए मुझे बता रहा है, सो आई विल जस्ट ऐड माय फेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आस्किंग फॉर पैटर्न, मैं पैटर्न डाल दिया, और ये कुछ डिस्क्लेमर है, इसको ओके कर दिया। और अभी ये जो है मेरा फिंगरप्रिंट 40%, 60%, 80%, और ये देख सकते हैं आप 80% और 100% सेटअप हो गया है। सो मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ, और ये जो है वो अभी यूज़ फ़ोन जो है वो रेडी हो गया है यूज़ के लिए। ये देख सकते हैं आप आईफोन का जो इंटरफेस है, आईफोन एक्स का वो इंटरफेस इसमें दिख रहा है। सो इसमें दिखा है कि स्वाइप फ्रॉम बॉटम टू गो टू द कंट्रोल सेंटर, जो आईफोन का जो कंट्रोल सेंटर है वो आप देख सकते हैं इसमें अवेलेबल है। और इसका जो सिम ट्रे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिम ट्रे में दो डेडिकेटेड सिम रख सकते हैं, प्लस एक microSD कार्ड जो 256 GB तक सपोर्ट करता है, उसको आप इंसर्ट करके 32 + 256 GB का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे उसके अंदर अवेलेबल स्टोरेज कितना है। सो ये देखिए, ये अबाउट मैं फ़ोन में जाऊंगा, ये सब उसके सेटिंग्स है, ये आप देख सकते हैं। मोर सेटिंग में जाएंगे तो आपको अबाउट दिस फोन का ऑप्शन आपको दिखेगा। सो अबाउट दिस फोन में अगर आप जाएंगे तो उसका मॉडल नंबर जो है वो दिखाएगा, उसमें IMEI का दोनों सिम का नंबर दिखाएगा, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है वो 8.1 इधर देख सकते हैं, फन टच OS 4.0 इसमें दिखा रहा है, और एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो भी इसमें दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं फेस अनलॉक आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया, और जैसे ही मैंने ये फ़ोन को इमीडिएटली अनलॉक हो गया। देखिए मैं फिर से करता हूँ, इसका फेस अनलॉक करता हूँ, ये देखिए मैंने, और जैसे ही फेस के पास लाया इसको ऑफ कर दिया, और इसको जैसे ही फेस के पास लाया ये देखिए ये अनलॉक हो गया, कितना फास्ट, एकदम फास्ट अनलॉक हो रहा है। ये देखिए फिर से ये मैंने मेरे फेस के पास लाया और ये अनलॉक हो गया। सो क्विक फेस अनलॉक है, प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर पे है वो भी एकदम क्विक है, देखिए जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट रखता हूँ इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो अनलॉक हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने कैमरा सैंपल लिया, ये इसका कैमरा सैंपल है, ये अच्छा फ़ोटो खींच रहा है। ये 13 MP का बैक कैमरा है, और फ्रंट कैमरा जो मैंने बताया 8 MP का है, और उसका कैमरा का रिव्यू मैं अलग से आपको दूंगा।